भूख ले ले क्यों दीप विजय आरती बता दिया छोटा बच्चा है छोटे बच्चे हैं कितने लोग चार पांच हाँ क्या क्या है देखो जी तो बराबर है ओके सर हाँ सर बिल्कुल ఇది ఎల్లుల్లి తయారు పేస్ట్ తయారు చేసి మన డబ్బాలలో ఫంక్షన్లకు గీసాలకు रहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज शाहीन नगर एरिया बालापुर पुलिस स्टेशन के लिमिट में न्यू बाबा नगर कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्डन सर्च किया गया है। सनप्रीत सिंह डीसीपी साहब की लीडरशिप में यहां पर ऑल एसीपीस और कई सीआईस एसआईस और कॉन्स्टेबल ने मिलकर यहां पर कॉर्डन सर्च किया है। कॉर्डन सर्च करने का मकसद यही है कि आवाम को डराना करना नहीं। यहाँ पर जो सिटी से ऑफेंडर आ रहे हैं जो ऑफेंस करके ये एरिया में रह रहे हैं वो लोग को जो है सो घटने के लिए हमारे एरिया के रेसिडेंशियल यहाँ के पीपल के लिए हेल्प है वो। लिहाजा हम लोग भी पुलिस के साथ कॉपरेट करके एरिया के लोकल लीडर्स जो भी हैं मंडल वाइज हो या ग्राम पंचायत वाइज हो या म्यूनसिपल वाइज हो हम बराबर पुलिस का साथ देंगे। इसी तरह जैसा कॉर्डन सर्च कर रहे हैं हर महीने दो महीने में कॉर्डन सर्च डीसीपी साहब से गुजारिश है कि हर महीने दो महीने में कॉर्डन सर्च हर एरिया में एक एक कॉलोनी को बनाकर निशाना किया जाए ताकि यहाँ पर शहर में रहने वाले शहर में कैसा करने वाले यहाँ के जो हमारे एरिया को ख़राब कर रहे हैं हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। और यहाँ के लोगों को पीपल्स को भी मैं मीडिया के ज़रिए यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मकानदार अपने मकान किराए से दे रहे हैं सिटी को जाती मकान वाले वो लोगों की अच्छी तहकीकात करें। अगर तुम्हारा कुछ सस्पेक्ट दिख रहा है तो पीएस में पुलिस से रुजू हो एरिया पीएस से हमारी आपसे यही गुजारिश है। और ये कमिश्नर साहब नेनू सहायतम बोल के जो सीसीटीवी के लिए एक प्रोग्राम निकाले उसमें खुलकर अपना साथ दीजिए। हमें आपको मीडिया के ज़रिए यही गुजारिश है आवाम से यहाँ की एरिया की लोकल आवाम से और लोकल लीडर से यही गुजारिश है कि आप नीनू सहायतम में अपना बढ़ चढ़कर साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग भी मैं उमर बाम हम लोग भी हमारे से जो हुआ सीसीटीवी कैमरेज के लिए कुछ भी माली मदद करेंगे पुलिस स्टेशन की बालापुर की। और मैं ये गुजारिश डीसीपी साहब और एरिया एसीपी साहब और एरिया सीआई साहब से करता हूँ कि यहाँ पर मिशन चबूतरा के तहत भी
रात में 11 बजे के बाद हमारे एरिया में जो बच्चे चबूतरे में बैठ के ख़राब हो रहे हैं, वो लोगों की काउंसलिंग की जाए। मिशन चबूतरा भी महीने दो महीने में एक बार लगाया जाए ताकि वो नौजवान बच्चे जो हुक्के में इसमें उसमें बिजी होकर ख़राब हो रहे हैं वो ख़राब ना हो सके। मैं DCP और ACP साहब से गुजारिश करता हूँ, CI साहब से भी, और जो है सो पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है हमारे एरिया में जहाँ पर 1 से 4 जने बैठ रहे हैं वो एरिया में रातों के टाइम ज़रा पेट्रोलिंग भी कराया जाए ताकि पब्लिक को सहूलत हो सके। हम भी बराबर पुलिस के साथ कॉपरेट करेंगे क्योंकि कमिश्नर अचाकोंडा महेश भगवत साहब ने पुलिस फ्रेंडली है कहा, हम भी बराबर उनके साथ फ्रेंडली रहकर उनको कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज जो यहाँ पर जो कार्टन सर्च किया गया है उस पर हमारे DCP साहब LB नगर और ACP साहब वनसलीपुरम, ACP साहब LB नगर, CI बालापुर सैदुल साहब और तकरीबन CI यहाँ पर जो कार्टन सर्च किए। ये कार्टन सर्च के मकसद क्या है पब्लिक को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कार्टन सर्च का मतलब ये है कि जो एरिया में क्राइम गंदगी जो है कार्टन सर्च के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, तो हम इससे बहुत खुश है क्योंकि हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो कार्टन सर्च हुआ यहाँ पर कार्टन सर्च के ज़रिए जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही। हम DCP साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि हर महीना दो महीने में हमारे एरिया में कार्टन सर्च करके एरिया में जो रोडी शीटर्स है और जो दूसरे एरियों से आकर यहाँ पर क्राइम कर जो यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग के ऊपर कार्रवाई करें, और जैसा कि इलीगल जो यहाँ पे कामा चल रही जैसा कि गुटखा है और ऐसे ही बहुत चीज़ें जो इलीगल जो लीगल नहीं है विदाउट परमिशन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो विदाउट परमिशन जो काम कर रहे हैं उसको रोकना और उसको उन पर केस बुक कर उनको यहाँ से बर्खास्त करना ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे एरिया में जो ये नए बस्तियाँ बस रहे हैं तो यहाँ पर कौन कहाँ से आ रहा है, क्या क्राइम करके आ रहा है, सिटी से आ रहा है, डिस्ट्रिक्टों से आ रहा है और बाहर मुल्कों से आ रहा है, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बिहार से, UP से, तकरीबन ये बाहर से लोग आकर यहाँ पर हमारे एरिया का नाम जो बदनाम कर रहे हैं। जो 3 दिन पहले जो मटर हुआ है वो रहने जिसका मटर हुआ है वो रहने वाला है चंद्रायन गुट्टे का, जो मटर किया है वो भी रहने वाला है चंद्रायन गुट्टे का, मटर होने वाला भी और करने वाला भी दोनों चंद्रायन गुट्टे के रहने के बावजूद हमारे एरिया में मटर हो रहा है, ये इससे हमारा एरिया का नाम बदनाम हो रहा है। तो हम हमारे DCP साहब को फिर एक बार अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे कार्टन सर्च करते रहे, कार्टन सर्च के ज़रिए यहाँ पर जो इलीगल कामा चल रही जो रोडी शीटर्स जो और क्राइम जो दूसरी तरफ कर आकर यहाँ पर जो छुपकर बैठे हैं और जो इलीगल यहाँ पर गुटखा वगैरह और जो भी इलीगल कामा चल रही ये इलीगल को बंद कराएं, हम आपके साथ हैं। पुलिस का साथ हमारा वो पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के ज़रिए हम पब्लिक के साथ पुलिस के साथ रहकर इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे और पुलिस भी हमारे साथ दे रही, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम 24 घंटे पुलिस के साथ है, पुलिस भी हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जो कोई भी जुर्म होता है, मर्डर, नहीं तो कोई चेन स्नैचिंग, नहीं तो कोई और किसी तरह की गड़बड़, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का कोई भी जुर्म अगर एरिया में होता है पहले तो कंट्रोल होता है, अगर फिर भी लोग करते हैं तो इसमें इमिडिएटली पकड़ा भी जाता है। हमको पुलिस को भी उसकी के CCTV कैमरा से हमको भी मदद मिलती है, केस भी इजीली डिटेक्ट हो जाता है और बाद में कोर्ट में भी जो भी आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है उसको भी सज़ा भी पक्का मिलती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, नैनी सतह में आप सब लोग बड़ी आसानी से कैमरा से यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं। हमारी तरफ से भी हम लोग भी कोशिश करेंगे कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग जगह से फंड मोबिलाइज करके यहाँ पर कैमरा लगाने की, और यहाँ पे मैं लोकल इंस्पेक्टर को भी बोलता हूँ आप लोगों के आके मोटिवेशन प्रोग्राम और कैमरास के बारे से भी हमारा बॉर्डर लगता है ये दो पुलिस स्टेशन का, पहाड़ी शरीफ और बालापुर का, और वैसे ही हमारा इब्राहिमपट्टनम डिवीज़न के कुछ पुलिस स्टेशन उनसे भी बॉर्डर लगता है। तो इस ऐसे कई बॉर्डर होने की वजह से कुछ लोग उधर उधर आते जाते रहते हैं, यहाँ से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए, इसलिए जो लोग एक ज्यूरिसडिक्शन के लोग हैं दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाके कुछ ना कुछ जुर्म ऐसे होते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सारी जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है राचाकोंडा पुलिस ने मिलकर LB नगर जोन की तरफ से, इसमें कॉर्डन सर्च में
चेकिंग करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए बहुत ही हेल्प मिला यहाँ पे। यहाँ के बाशिंदों ने पूरी तरह से मदद किया, उनको पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेशन दिया, उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे ही यहाँ पे चेकिंग में 3 राउडी शीटर्स, उनकी एक्टिविटी क्या क्या है उसको चेक कर, उसको भी चेक किया गया है, आगे फर्दर भी इंक्वायरी किया जाएगा। 3 राउडी शीटर जो इस एरिया के हैं। वैसे ही चेकिंग में यहाँ पे थोड़ा 10,000 तक वैल्यू का गुटखा भी सीज किया गया है, इसमें भी नेक्स्ट कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वैसे ही यहाँ पे चेकिंग में कुछ व्हीकल, जिसमें के 13 बाइक, 7 स्कूटीज, 1 ऑटो और 1 कार को भी जब्त किया गया है। ये व्हीकल कुछ बिना नंबर प्लेट के, नहीं तो नंबर प्लेट गलत है, नहीं तो इनके कागजात प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये व्हीकल्स भी सीज किए गए हैं। इनमें भी आगे MV एक्ट के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोटल ओवरऑल यहाँ पे कॉर्डन सर्च में मैं फिर से यहाँ के बाशिंदों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस को कोऑपरेट किया। ये कॉर्डन सर्च प्रोग्राम करने का मुख्य यहाँ पे मोटिव यह है कि यहाँ पे जो भी पब्लिक, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा एरिया पूरी तरफ से सेफ और सिक्योर है। हमारे एरिया में कोई भी गुंडे मवाली आके कुछ गुंडागर्दी, कुछ गलत हरकतें वैसे नहीं कर सकते। सबको ये विश्वास, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कॉर्डन सर्च प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे बैठे लोगों से और यहाँ पे एरिया के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अपने एरिया को, न्यू बाबा नगर को और भी सेफ बनाने के लिए यहाँ पे फ्यूचर में कुछ CCTV कैमरास भी आप लोग इंस्टॉल करिए। आज की डेट में CCTV कैमरा जो है बहुत ही सस्ता मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक नैनो सहायता करके प्रोग्राम है, नैनो सहायता में आप लोग हर घर से थोड़ा थोड़ा 100-200 रुपया, 500 रुपया ऐसे ऐसे जमा करके भी देंगे तो कई कई घर मिला के एक एक कैमरा लगा ले सकते। एक कैमरा कहीं पे भी आप लोगों ने लगा लिया तो चोरा, जो भी लोग आते वहाँ पे चोरी करने के लिए, वो कैमरा देख के ही डर जाते पहले तो, और उस एरिया में घुसने का कोशिश ही नहीं करते। अगर घुसे भी